हेलो नमस्कार दोस्तों, इनोवेशन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। चलिएगा, हम डिटर्मिनेटर अपन ने कंप्लीट कर लिया है, मैट्रिक्स अपन ने कंप्लीट कर लिया है, इसके बाद में क्रेमर रूल भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तीन टॉपिक अपन ने अच्छे से कंप्लीट कर लिए। आज जो आपकी इच्छा थी करने की, ए प्रतिलोम यानी प्रतिलोम मैट्रिक्स, ए का प्रतिलोम, ए इनवर्स, ए की पावर माइनस वन करने वाले हैं, तो देखिएगा पूरी क्लास में बने रहिएगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्लास को देखना है, लास्ट तक जानदार और शानदार क्वेश्चन रहने वाले हैं। सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी कुछ मोटिवेशन बना रहे और आपके लिए अच्छा सा अच्छा कंटेंट लेके आए और आप अच्छे से उसको पढ़ पाएं। देखिएगा बेटा, पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, ए कोई मैट्रिक्स है और हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है, ए की पावर माइनस वन ज्ञात करना है। अब ए की पावर माइनस वन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला देखिएगा, ये होता है ए इनवर्स, ए इनवर्स ए की पावर माइनस वन, बेटा ये होता है ए डी जे एड जॉइंट ए, ए डी जे एड जॉइंट ए अपॉन में ए का डिटर्मिनेट, ए डिटर्मिनेट एड जॉइंट ए अपॉन में क्या आएगा? डिटर्मिनेट ए। ठीक है, ये आ गया। अब एड जॉइंट ए कैसे निकलता है? एड जॉइंट ए बनता है सहखंडज का ट्रांसपोज, सहखंडज का ट्रांसपोज, धैर्य बनाए रखें, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो स्टार्ट किया है, तब छोड़ेंगे जब हमें सब कुछ आने लगेगा। अब मैं लिखूंगा कि ए वन वन का सहखंड, ए वन वन का सहखंड, ए वन वन इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, वो करते हैं ना माइनस वन की पावर एक प्लस एक, और इसका मान कितना है? इसका मान कितना है? चार। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, क्या बच गया? चार बच गया। तो यहाँ पे पावर सम है, पावर एक प्लस एक दो सम है, तो माइनस का साइन नहीं आएगा, प्लस का आएगा, ये मान आ गया चार। इसी प्रकार से ए वन टू का सहखंड, ए वन टू का सहखंड माइनस वन की पावर एक प्लस दो, पावर विषम है, वन टू यानी तीन, इस पहली रो को छोड़ दो, दूसरे कॉलम को छोड़ दो, ये बच गया दो, ये बच गया दो। ठीक है, तो माइनस वन की पावर तीन है तो माइनस मान आएगा, तो माइनस का दो। अब आगे है ए टू वन का सहखंड, सहखंड इज इक्वल टू माइनस वन की पावर दो प्लस में एक, दो प्लस में एक बेटा ये रहा, और दूसरे दूसरी पंक्ति का पहला कॉलम इसको छोड़ दो, क्या बचेगा? तीन, और दो प्लस में एक पावर होगी विषम, और विषम पावर होगी तो माइनस का तीन आएगा। इसी प्रकार से आप लिखोगे ए टू टू का सहखंड, सहखंड इज इक्वल टू माइनस एक की पावर दो प्लस दो, और दो प्लस दो इसको छोड़ दो, दूसरी पंक्ति को और दूसरे कॉलम को छोड़ दो, तो यहां पे बनेगा एक, और पावर दो और दो चार सम हो गया, तो मान आएगा प्लस का। तो अपन लिखेंगे, अपन लिखेंगे कि एडजॉइंट ए, एडजॉइंट, एडजॉइंट ए इसका प्रतिलोम होता है, मैट्रिक्स लिखो पहले बेटा, मैट्रिक्स लिखनी है। तो ये आपके पास में चार, ए वन वन का मान, ए टू टू का मान माइनस के दो, ए टू वन का मान माइनस के तीन, एक, इसका आपको क्या करना है? ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज क्या होता है? प्रतिलोम मैट्रिक्स होता है, प्रतिलोम यानी पंक्ति और कॉलम को चेंज कर देना, आपस में चेंज कर दो, ये जो पंक्ति है उसको कॉलम बना दो, ये जो पंक्ति है उसको कॉलम बना दो, दोनों पंक्तियों को कॉलम में चेंज कर दो प्यारे बच्चों, तो ये बन जाएगा आपके पास चार माइनस के दो माइनस का तीन एक। ठीक है, चार माइनस के दो, ठीक है, चार माइनस के दो कर दिया, पहली पंक्ति बना दी, पहले पहली पंक्ति को पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम, ये हमारे पास में आ गया एडजॉइंट। हमें निकालना क्या है? हमें तो निकालना है ए इनवर्स। तो सबसे पहले आपको ये भी मान निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेट, इसको डिटर्मिनेट में चेंज कर दो, इसको डिटर्मिनेट में चेंज कर दो, डिटर्मिनेट में चेंज करोगे तो दो गुणा दो की डिटर्मिनेट का मान निकालना आता है,
चार एकम चार माइनस में दो तिया छः, तो आएगा माइनस के दो, नॉट इक्वल जीरो, नॉट इक्वल जीरो। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि डिटर्मिनेंट का मान नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए, तभी तो अपन ए इनवर्स निकाल पाएंगे। ए इनवर्स कब संभव होगा? जब डिटर्मिनेंट का मान जीरो नहीं है, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल जीरो है। अगर किसी नंबर के नीचे जीरो आ जाता है तो वो असंभव हो जाता है, उसका मान असंभव हो जाता है, मान निकाल नहीं पाते। तो बेटा यहाँ पे तो नॉट इक्वल जीरो है तो इसका मान निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे ए इनवर्स आपके पास में होगा। अब ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में मान रखिए, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स आपके पास में है, कौन सी है, चार माइनस के दो माइनस के तीन एक, और इसमें भाग किसका लगाओ, इसमें भाग लगाओगे माइनस के दो का, प्रत्येक एलिमेंट में दो का भाग लगाओगे, तो ये मैट्रिक्स बनेगी माइनस के चार बटा दो माइनस के तीन बटा दो, और एक माइनस पहले से है, ये देख लो बेटा माइनस यहाँ पे लगेगा, माइनस के तीन बटा माइनस के दो, ये बनेगा माइनस के दो बटा माइनस के दो, माइनस के दो, और ये बनेगा एक बटा माइनस के दो। तो ये क्या बनेगा, अब देख दो से काट दो तो माइनस के दो, दो दो चार, माइनस से माइनस कटेगा तीन बटा दो, माइनस से माइनस कटेगा दो से दो कटेगा एक, और ये आएगा माइनस का एक बटा दो। ये आपके पास में क्या आएगा, ए इनवर्स आएगा, ए इनवर्स। एक लॉजिकली बात बता देता हूं मैं आपको, एक बार चेक कर लेते हैं क्या आएगा। ए इनवर्स हमें निकालना था, ठीक है, तीसरे में ए इनवर्स माइनस के दो एक, माइनस तीन बटा दो और माइनस का एक बटा दो, ठीक है, चलो ठीक है, ये तो आंसर ठीक। एक लॉजिकली आपको बात बता देना चाहूंगा कि कभी भी दो गुणा दो की डिटर्मिनेंट हो चाहे मैट्रिक्स हो, उसका हमें एडजॉइंट निकालना हो, एडजॉइंट निकालना हो, तो ये मैट्रिक्स थी, इस साइड में लिख देता हूं, ये मैट्रिक्स थी आपके पास में कि एक तीन दो चार, ठीक, और मैंने क्या निकाल दिया, एडजॉइंट ए, कैसे कर दिया, चार एक माइनस तीन माइनस दो, चार एक माइनस तीन माइनस दो, देख लो ये रहा, अलग थोड़ी नहीं किया मैंने, एडजॉइंट क्या निकालोगे, एडजॉइंट आपके पास में आ जाएगा माइनस के दो, इसका साइन चेंज करना होता है, इसको चेंज नहीं करना, दो और तीन यही है ना, ये चेक करो यहां से, चार माइनस के तीन माइनस के दो माइनस का एक, ठीक, ये आया। अब इसमें क्या लॉजिक लगता है कि कभी भी दो गुणा दो के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं, सहखंडज निकालते हैं, तो मुख्य विकिरण के एलिमेंट को चेंज कर दो, मुख्य विकिरण के एलिमेंट है एक और चार, उसको चेंज कर दो, एक की जगह तो चार लिख दो, और चार की जगह एक लिया, चेंज कर दिया, एक की जगह चार लिख दिया और चार की जगह एक लिख दिया, मुख्य विकिरण के एलिमेंट को चेंज कर दो और पश्च विकिरण के एलिमेंट के साइन चेंज कर दो, यहां पे प्लस है तो माइनस कर दिया और यहां पे प्लस है तो माइनस कर दिया। ध्यान में आई के बाद, दो गुणा दो की मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं तो मुख्य विकिरण के अवयवों को या एलिमेंट को चेंज कर देते हैं, उसका स्थान अदल बदल कर देते हैं, और पश्च विकिरण के जो एलिमेंट है उसका हमेशा साइन ही बदलते हैं। अब ये लॉजिक है ना, इस क्वेश्चन में काम में लेंगे, इतना समझ में आया ना। सहखंडज बेटा इसी तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन तीन गुणा तीन में तो अपन को ये प्रोसेस पूरी करके दिखानी पड़ेगी। तीन गुणा तीन का पंद्रह नंबर का क्वेश्चन आएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो यहां से सबसे पहले ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स का फॉर्मूला जानते हैं कि ए डी जे, एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेट ए, डिटर्मिनेट ए, और ए डिटर्मिनेट का मान नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए, इसका मान जीरो नहीं होना चाहिए। अब चलो एडजॉइंट निकाल देता हूं मैं, ए डी जे, एडजॉइंट डायरेक्टली कैसे निकालोगे सर जी, बेटा अभी बताया था मैंने आपको कि मुख्य विकिरण के एलिमेंट को चेंज कर देते हैं। सर जी कैसे करोगे चेंज, यहां पर भी कॉस है, यहां पर भी कॉस है, यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है, इसका मीन्स किसी को लिख दो, सेम है ना दोनों, तो यहां पर आपने लिख दिया कॉस थीटा और ये है कॉस थीटा, अब साइन कॉस मत कर देना, कॉस थीटा है कॉस थीटा। अब वही बात आ गई बेटा यहाँ पे,
बी डबल ओ के, ये तो स्पेलिंग है गलत। इस बी को यहां पे लिखो, इस बी, इस ओ को यहां पे लिखो और इस ओ को यहां पे लिखो और ये आएगा बी डबल ओ के। अब ये स्पेलिंग क्या है, सही है। तो इस कोस को तो यहां पे ले जाओ, इस कोस को यहां पे लेके आ जाओ, तो ये आपके पास में कोस और कोस बन जाएगा। अब क्या करना होता है, पश्च विकीर्ण के एलिमेंट के साइन चेंज कर दो। यहां पे माइनस का है तो यहां पे क्या करोगे, प्लस का, और यहां पे प्लस का है तो यहां पे क्या करोगे, माइनस का साइन थीटा, समझे क्या। अब आपके पास में एडजॉइंट डायरेक्ट आ गया, हमें तो चाहिए ए डिटरमिनेंट का मान चाहिए, तो ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ये बनेगा कॉस थीटा साइन थीटा, ये है माइनस के साइन थीटा, क्या है माइनस के साइन थीटा और ये है कॉस थीटा। करो मल्टीप्लाई आपस में, कोस का कोस के साथ में कॉस स्क्वेयर थीटा, माइनस एक फॉर्मूले का है, एक लगेगा, एक तो माइनस ऑलरेडी यहां पे है, एक फॉर्मूले का है, माइनस और माइनस हो जाएंगे, प्लस क्या बनेगा साइन स्क्वेयर थीटा, कोस स्क्वेयर थीटा प्लस में साइन स्क्वेयर थीटा, एक होता है पहली आइडेंटिटी और नॉट इक्वल जीरो, एक नॉट इक्वल जीरो, इसका मान आ गया एक, पहली सरोसमी का एक नॉट इक्वल जीरो है, जीरो नहीं है, चलो संभव है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट में इसका भाग लगाएं, एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट में एक का भाग लगाओगे तो वापिस यही बनेगा, अरे किसी नंबर में एक का भाग लगाए तो भागफल वही आएगा जिसमें भाग लगा रहे हैं, जैसे मैंने आठ में एक का भाग लगा दिया तो भागफल आएगा आठ, भागफल आएगा आठ, तो इसमें एक का भाग लगाएंगे तो ये वापिस सेम नंबर आ जाएगा, तो ये बनेगा आपके पास में कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा, ये बनेगा साइन थीटा और ये बनेगा कॉस थीटा, ये आपके पास में क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू, ए इनवर्स इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा, ठीक है। ये दो गुणा दो की डिटरमिनेंट ज्ञात करने का फॉर्मूला है, दो गुणा दो की डिटरमिनेंट कैसे, दो गुणा दो की जो मैट्रिक्स है उसका प्रतिलोम ज्ञात करते हैं, उसका ए इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं, ये इस तरीके से करते हैं। अब तीन गुणा तीन का मेथड तो सेम रहेगा लेकिन उसमें प्रोसेस थोड़ी बड़ी हो जाएगी, ये क्वेश्चन आता है तो चार नंबर का आएगा, पांच नंबर का आएगा, छह नंबर का आएगा लास्ट, ठीक। और तीन गुणा तीन की मैट्रिक्स का प्रतिलोम निकालना हो तो पूरा 15 नंबर का आएगा एग्जैक्ट, ठीक। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन है, तीन गुणा तीन की कोई मैट्रिक्स गिवन है हो तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, साथ में आपको सिद्ध भी करना है कि ए इनवर्स डॉट ए इज इक्वल टू आई थ्री, आई थ्री का मीन्स क्या है, तीन गुणा तीन की इकाई मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। अब देखते हैं, सबसे पहले ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए इसका क्या निकालना होता है, डिटर्मिनेट निकालना होता है, तो डिटर्मिनेट निकालते हैं, डिटर्मिनेट निकालेंगे उसका, तो पहले इसको डिटर्मिनेट में कन्वर्ट करोगे, जैसे कि ये मैट्रिक्स का साइन हटा दोगे, डिटर्मिनेट का साइन लगा दोगे, बस इतना ही कन्वर्ट करना है, एक दो तीन, दो तीन, एक तीन, एक दो, समझे। प्रथम पंक्ति से प्रसार कर दो, प्रथम पंक्ति से इसका प्रसार करोगे तो ये बनेगा एक, इसको छोड़ना है इनको, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तीन दुनी छः, माइनस में एक, माइनस दो, इनको छोड़ना है, इसको छोड़ना, इन दोनों का गुणा, चार दो दुनी चार, माइनस में तीन एकम तीन, प्लस तीन, इनको छोड़ो, इन दोनों का गुणा कितना आएगा, दो एकम दो, माइनस में तीन दिया नौ, तो ये बनेगा छः माइनस में एक पाँच, माइनस चार में से तीन जाएंगे तो एक बचेगा, एक का गुणा किसके साथ में करेंगे, दो के साथ में, तो दो एकम दो, प्लस नौ माइनस के हैं, प्लस के दो हैं, प्लस के माइनस के सात बचेंगे और सात ये इक्कीस, तो माइनस के हो जाएंगे इक्कीस, इक्कीस और दो तेईस, और तेईस माइनस के हैं, तेईस तो हैं माइनस के और प्लस के हैं पाँच, तो किसके बचेंगे, माइनस के अठारह, और माइनस के अठारह नॉट इक्वल जीरो, तो ए डिटर्मिनेट का मान कितना आएगा, ए डिटर्मिनेट का मान माइनस के अठारह नॉट इक्वल जीरो, यानी हम लिखेंगे यहां, अतः
अतः ए इनवर्स विद्यमान विद्यमान है, ए इनवर्स विद्यमान है, तो इसलिए सहखंडज पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा बेटा। तो ए वन वन का सहखंड, ए वन वन का सहखंड माइनस वन की पावर, ए वन वन लिखेंगे ना, आवश्यकता नहीं, बाहर बाहर प्लस लगा दो, बाहर आप प्लस लगा दो, ठीक है। और वन वन करोगे ना तो हमेशा ही ध्यान रखना, प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ, इसका कोई मीन्स नहीं, क्योंकि प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें साइन चेंज नहीं होंगे। अब देख लो यहाँ पे वन वन है, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, इनका गुणा कितना हो गया, ये आ गया तीन एक एक दो, तो ये आएगा तीन दूनी छः माइनस एक यानी पाँच। ए वन टू का सहखंड, ए वन टू का सहखंड माइनस कर दो, अगर ये दो और तीन विषम, एक और दो विषम बन रहे हैं जोड़ने पे, एक प्लस दो तीन बनेंगे, तीन विषम है, विषम है तो माइनस कर दो, सम है तो प्लस कर दो, बस इतना ही सिस्टम है। और इसको छोड़ना है और इसको छोड़ना है, दो दुनी चार, दो दुनी चार माइनस में तीन, तो ये बनेगा चार माइनस में तीन, माइनस का बाहर है, प्लस का चार है, प्लस का एक बचेगा लेकिन माइनस का एक हो जाएगा। ए वन थ्री कितना करोगे, वन थ्री का सहखंड, और बेटा सहखंड देखो वन थ्री यानी एक प्लस तीन चार, सम आएगा तो प्लस का नंबर आएगा, लेकिन इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, तो ये बच गया दो एकम दो, दो एकम दो माइनस में तीन तिया नौ, तो ये बनेगा माइनस के सात। इसके बाद में आगे करते हैं ए टू वन का सहखंड, सहखंड इज इक्वल टू, ये कौन सा हो जाएगा, अच्छा ये क्या, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इन पहले कॉलम को छोड़ दो और दूसरी रो को छोड़ो, तो दो का गुणा दो के साथ में चार और माइनस में तीन एकम तीन, तो ये माइनस लगेगा चार माइनस तीन, तो ये आएगा माइनस का एक, ये आएगा ए टू टू का सहखंड, सहखंड क्या बनेगा, ए टू टू का सहखंड बनेगा, यानी दूसरे कॉलम, दूसरी रो को छोड़ना है, दूसरी कॉलम को छोड़ना है, तो एक का मल्टीप्लाई दो के साथ में, और यहाँ पे दो दो हैं तो सम नंबर आएगा, सम है तो पावर क्या है, प्लस, पावर सम है तो नंबर आएगा प्लस का, इनका देख लो दो एकम दो माइनस में तीन तिया नौ, तो माइनस के आएंगे सात। आगे नंबर है ए टू थ्री का सहखंड, ए टू थ्री का सहखंड, तो टू थ्री का करोगे तो दो और तीन पांच, पांच है तो विषम है, विषम है तो माइनस आएगा, विषम है तो माइनस आएगा। आगे देखो टू थ्री यानी दूसरे रो को और तीसरे कॉलम को छोड़ दो बेटा, तो ये बनेगा एक एकम एक, एक एकम एक माइनस में दो तिया छः, माइनस के बचेंगे पाँच और माइनस के पाँच का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस के पाँच, ये बनेगा ए थ्री वन का सहखंड, ए थ्री वन का सहखंड क्या हो जाएगा, पहले कॉलम को छोड़ो दूसरी रो को छोड़ दो, सॉरी तीसरी रो को छोड़ दो, तो ये बन जाएगा दो एकम दो, तीन और एक चार, ये तो प्लस का आएगा, तो तीन दो एकम दो माइनस में तीन तिया नौ, तो ये आएगा माइनस के सात। आगे नंबर आएगा ए थ्री टू का सहखंड, सहखंड तो ये बन जाएगा थ्री टू यानी तीन और दो पाँच, पाँच एक विषम नंबर है और दूसरे कॉलम में है, तीसरी रो में है, इनको छोड़ना है, इनको छोड़ना है, एक एकम बाहर माइनस, एक एकम एक, दो तिया छः माइनस के दो तिया छः, माइनस का पाँच बचेगा, बाहर माइनस है, माइनस और माइनस प्लस के पाँच, ये आएगा ए थ्री थ्री का सहखंड, ए थ्री थ्री का सहखंड, तो तीन और तीन छः, छः यानी सम, सम यानी प्लस, तीसरे कॉलम को तीसरी रो को छोड़ेंगे तो तीन एकम तीन, माइनस में दो दुए चार, दो दुए चार, तो ये आएगा माइनस का एक।
अब लिखेंगे ए डी जे एट जॉइंट ए, इसका ट्रांसपोज कर दो यहां से, है ना। तो ये है प्लस का पांच, दूसरा है माइनस का एक, ये है माइनस के सात, ये है माइनस का एक, माइनस के सात पांच, माइनस का सात पांच, माइनस एक, इसका हमें क्या करना है ट्रांसपोज करना, इसका हमें क्या करना है ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास में एडजॉइंट क्या बनेगा, ऊपर लिख देता हूं, यहां पे ए डी जे एडजॉइंट ए बनेगा। अब देखो इसको चेंज कर दो, पांच माइनस एक माइनस सात को इस साइड में लिखेंगे, तो पांच माइनस एक माइनस के साथ, माइनस एक माइनस सात माइनस पांच, दूसरी दूसरे रो को दूसरा कॉलम बनाता हूं, तो माइनस एक माइनस के साथ और पांच, देख लो बेटा माइनस एक माइनस के साथ पांच, माइनस के साथ पांच माइनस एक, माइनस का सात पांच और माइनस एक, माइनस एक आ गया ट्रांसपोज करने पे, एडजॉइंट ए प्राप्त हो चुका है हमें। चेक कर लेते हैं, माइनस का एक माइनस के साथ, माइनस का एक माइनस के साथ, माइनस के पांच और माइनस का एक, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, ए प्रतिलोम, ए प्रतिलोम यानी ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालने के लिए ए इनवर्स इजिकल टू ए डी जे एडजॉइंट ए अपॉन में इसका भाग करेंगे, इसका भाग करेंगे तो ये आएगा एक बटा अठारह, एक बटा एक बटा, और वो भी किसका है माइनस के अठारह, माइनस के अठारह, तो ये आएंगे पांच माइनस एक सात, और वो भी किसका माइनस का, तो ये है माइनस के सात, माइनस एक माइनस के सात, और ये है पांच, ये है माइनस के सात, ये है पांच, और ये है माइनस का एक, माइनस का एक। तो ये हमारे पास में इसका क्या आ जाएगा, प्रतिलोम मैट्रिक्स आ जाएगा माइनस के। अब इसमें अलग अलग में आप 18 का भाग भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं देना चाहते तो बाहर रख दिया, अंदर माइनस का मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, अंदर आप माइनस का मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं बेटा, इतना लिखना चाहते हैं तो इतना आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें सिद्ध करना है कि ए इनवर्स डॉट ए इज इक्वल टू आई थ्री। अब ए इनवर्स आपके पास में है और ए का मान ये रहा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का मल्टीप्लाई यानी एलएचएस साइड लेके चलते हैं, एलएचएस साइड लेके चलते हैं, तो ए इनवर्स डॉट ए, ए इनवर्स डॉट ए, तो देखिएगा ए इनवर्स का मान कितना है, ये रहा आपके पास में है, आपके पास में ही है बेटा ये रहा माइनस का एक बटा अठारह, और ये बन जाएगा पांच माइनस एक माइनस के साथ, माइनस का एक माइनस के साथ पांच, माइनस के साथ पांच, माइनस का एक, ठीक। ए का मल्टीप्लाई साथ में करना है, एक क्या है, एक दो तीन, एक दो तीन, दो तीन एक, दो तीन एक, तीन एक दो, तीन एक दो, इन दोनों का आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस का एक बटा अठारह को बाहर रखना है, पांच का गुणा एक के साथ में, पांच एकम पांच, ठीक है, माइनस एक का गुणा दो के साथ में माइनस के दो, माइनस सात का गुणा तीन के साथ में माइनस के इक्कीस, माइनस के इक्कीस। अब पहले कॉलम के साथ हो गया, दूसरे कॉलम के साथ में पांच दूनी दस, तीन एकम तीन, सात एकम सात, सात एकम सात, पांच तीये पंद्रह, एक एकम एक, सात दूनी चौदह, सात दूनी चौदह, माइनस का एक एकम माइनस का एक, सात दूनी माइनस के चौदह और प्लस के पांच तीये पंद्रह, माइनस के दो, सात तीये इक्कीस, प्लस के पांच एकम पांच, ये बनेगा माइनस के तीन एकम तीन, माइनस के सात एकम सात, पांच दूनी दस, सात एकम सात, पांच दूनी दस, तीन एकम तीन, माइनस के सात दूनी
14 प्लस के 5 तीय 15 माइनस का 1, ये बनेगा 7 तीय 21 प्लस के 5 माइनस के 2 माइनस के 2। समझे यहां तक? अब आगे की देखो प्रोसेस है, बीच में लाइनिंग कर देता हूं बेटा, पता चल जाएगा कौन सा कहां पे चला गया। ये लाइनिंग है बीच में, ठीक है। अब इसके बाद में देखिएगा माइनस के 1/18 और ये बन जाएगा आपके पास, देखो माइनस के 2 है, माइनस के 21 है, माइनस के 23 और माइनस के 23 है, प्लस के 5 है, तो माइनस के 18 बचेंगे। कितने बचेंगे? माइनस के 18, माइनस का प्लस का 10, माइनस के 3, माइनस के 3 और माइनस के 7, माइनस के 10 और माइनस के प्लस के 10 0। 15 है प्लस का, माइनस का 1 और माइनस के 14, माइनस के 15, तो ये बनेगा 0। यहां पे देख लो, माइनस का 1 है, माइनस के 14, माइनस के 15, प्लस के 15 0, प्लस के 5 है, माइनस के 23 है, माइनस के 18, माइनस के 18, ये बनेगा 0। ये भी देख लो 0 बन रहा है और ये भी देख लो प्लस माइनस हो गया 0 बन रहा है और ये वापस माइनस के 18 बन रहा है, माइनस के 18 बन रहे। अब सभी में क्या कर रहे हैं, 18 माइनस 18 का भाग लगाएंगे तो ये बन जाएगा 1, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 18 एकम 18, 0 में भाग लगाएं तो 0 ही आएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 1 18 एकम 18, ये बनेगा 0, ये बनेगा 0, ये बनेगा 0, ये बनेगा 1। आपके पास में I3 बन गया, क्या बन गया? I3 यानी 3×3 का इकाई मैट्रिक्स बन गया, 3×3 का इकाई मैट्रिक्स इज इक्वल टू LHS साइड लेके चले थे, क्या आ गई? RHS साइड आ गई, HP हेंस प्रूव। इस प्रकार से आपने ये प्रूव कर दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा बेटा, 15 नंबर का आएगा, डिटो कॉपी देख लेना, थोड़ी मोटी नंबरिंग चेंज कर सकता है और कुछ टाइप चेंज नहीं होगा। अब देखिएगा इसके बाद में एक शानदार सा जानदार सा क्वेश्चन करेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, ए कोई मैट्रिक्स है, यदि अव्यय ए तथा बी इस प्रकार से हो तो सिद्ध कीजिए कि ए डॉट बी का इनवर्स बराबर बी का इनवर्स डॉट ए का इनवर्स। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिएगा सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए डॉट बी निकालना पड़ेगा, फिर इसका क्या निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे। तो ए डॉट बी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ए डॉट बी का, ए कोई मैट्रिक्स है 3 7 2 5, डॉट बी मैट्रिक्स है 6 8 7 9। आपस में अगर मल्टीप्लाई करना चाहोगे तो 6 तीय 18 प्लस 7 7 49, 7 का 7 के साथ में, 8 तीय 24 प्लस 9 7 63, 6 2 12 प्लस 7 5 35, ये हो जाएगा 8 2 16 प्लस 9 5 45। तो ये मैट्रिक्स बनेगी 2×2 की आपके पास में, 8 9 17, 4 1 5 1 6 67, ये बन जाएगा 7 6 2 8 87, ये बनेगा 7 3 1 4 47, और ये बनेगा 6 5 11, 4 1 5 1 6 61। तो ये आपके पास में ए डॉट बी बनेगा, क्या बनेगा, ए डॉट बी का मान आएगा 67 87 47 61। अब हमें इसका क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स देखो, ए डॉट बी का इनवर्स निकालेंगे ना, तो आप या तो इसको कोई सी मैट्रिक्स के बराबर मान लो, या तो इसको सी मैट्रिक्स के बराबर मान लो, या इसका फॉर्मूला देखो कैसे होता है कि अपन अगर ए डॉट बी का हमें इनवर्स चाहिए तो अपन बोलेंगे ए डी जे एडजॉइंट ए डॉट बी अपॉन में इसका ए डॉट बी का सारणिक, ए डॉट बी का सारणिक। तो मैं यहां से ए डॉट बी बराबर कोई मैट्रिक्स माना, यहां पे लिख देना माना
ए डॉट बी बराबर कोई सी मैट्रिक्स, कोई सी मैट्रिक्स है। तो मैंने यहां पे लिख दिया सारणिक सी का मान, सारणिक सी का मान 67, ये 87, ये 47 और ये 61। तो इनका गुणा करोगे ना तो 67 गुणा 61 माइनस में 47 गुना 87, तो इसका मान आएगा 4087 माइनस में ये वैल्यू आएगी 4089। तो ये आएगा माइनस के दो नॉट इक्वल जीरो। तो आपने ये सी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट माना, इसका मान आ गया माइनस के दो। तो हमारे पास में ए डॉट बी का इनवर्स संभव है। इतना कर दिया। अब हमें एडजॉइंट निकालना है। अब दो गुणा दो के एडजॉइंट कैसे निकालते हैं देख लीजिएगा, यहां से कैसे निकालोगे। तो अपन लिखेंगे ए डॉट बी यानी सी, और सी का एडजॉइंट तो ए डी जे एडजॉइंट सी इज इक्वल टू एडजॉइंट सी, ए डॉट बी का हमने क्या मान लिया, सी मान रखा है। तो एडजॉइंट सी इज इक्वल टू मुख्य विकिरण के एलिमेंट को आपस में चेंज कर देते हैं तो ये बनेगा 61 और ये बनेगा 67, ये बनेगा 61 और ये बनेगा 67। और पश्च विकिरण के एलिमेंट के साइन चेंज कर देते हैं, माइनस के 47 और ये है माइनस के 87। और हमारे पास में ए डॉट बी का जो इनवर्स आएगा, या अपन बोले सी का इनवर्स, या बोले सी का इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए डी जे एडजॉइंट सी अपॉन में सी का मॉडुलस नहीं सी का डिटरमिनेंट। तो ये आएगा माइनस का एक बटा दो और मैट्रिक्स बनेगा 61 माइनस के 47 माइनस के 47 माइनस के 47 और ये है 67 माइनस के 47 67। और ये मान किसका आ गया, ये मान आएगा सी इनवर्स का, सी इनवर्स का बोल सकते हैं या ए डॉट बी का आप इनवर्स बोल सकते हैं। यानी एक नंबर इक्वेशन एलएचएस साइड से हमने एक नंबर इक्वेशन तक हल कर लिया। अब इसके बाद में हमें बी इनवर्स लेके आना है और ए इनवर्स लेके आना है। तो सबसे पहले बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, ये मान आपको निकालने के लिए मैं यहां पे लिखूंगा कि बी डिटरमिनेंट का मान देखो 9 छक्के 54 माइनस में 8 7 56 माइनस का दो नॉट इक्वल जीरो। तो बी इनवर्स विद्यमान है, ए इनवर्स देख लो, ए इनवर्स विद्यमान है या नहीं, 5 3 15 डिटरमिनेंट ए का मान 5 3 15 माइनस में 7 2 14 इज इक्वल टू 1 नॉट इक्वल जीरो। इसलिए अपन निकालेंगे बी इनवर्स देख लो कैसे निकालेंगे, ए डी जे एडजॉइंट बी अपॉन में बी का डिटरमिनेंट। एडजॉइंट बी कैसे आएगा, मुख्य विकिरण के एलिमेंट को चेंज करोगे तो इसका मान तो है माइनस का एक बटा दो डिटरमिनेंट का मान है, ठीक है, इसको चेंज करेंगे तो ये आएगा 9 6, ये बनेगा -7 और ये बन जाएगा -8। ए इनवर्स लेके आओ, तो ये बनेगा ए डी जे एडजॉइंट ए अपॉन में ए का डिटरमिनेंट, ठीक है। ये देखो 1/1 कोई दिक्कत ही नहीं है, 1/1 नहीं लिखेंगे, लेकिन बेटा ये देखो क्या बनेगा, एडजॉइंट ए इसको चेंज कर दो, ये बनेगा 5, ये बनेगा 3, ये बनेगा -2 और ये बनेगा -7। तो यहां से बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, -1/2 और 9 -8 -7 और ये बनेगा 6 और ये बन जाएगा 5 -7 -2 और 3। गुणा करोगे तो -1/2 तो बाहर है, 9 5 45
45 माइनस और माइनस प्लस 8 दूनी 16 9 साते 63 और 8 तीये 24 वो भी किसका माइनस का 7 पंजे 35 माइनस का 6 दूनी 12 49 और माइनस और माइनस प्लस और 6 तीये 18 आएगा। चेक कर लो कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 1/2। 45 और 16 6 और 5 11 और 4 × 5 = 61 ठीक है। तो यहां पे आएगा माइनस के 63 और माइनस के 24 तो माइनस का नंबर आएगा 7 और ये 87 कितना आएगा 87 माइनस के 35 और माइनस के 12 माइनस का नंबर आएगा 7 47 और ये कितना हो जाएगा 67 क्या 8 × 9 = 17 4 × 5 = 66 इक्वेशन नंबर दो चेक कर लो। माइनस का 1/2 यहां पे कितने है माइनस का 1/2 हाँ माइनस का 1/2 61 माइनस के 87 माइनस के 47 67 और माइनस का 1/2 61 माइनस के 87 माइनस के 47 और 67 इक्वेशन नंबर 1 और 2 से समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या बनेगा ए डॉट बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी का इनवर्स डॉट ए का इनवर्स एच पी हैंस प्रूफ सिद्ध हो गया। एलएचएस साइड और आरएचएस साइड दोनों को हल कर लिया। क्वेश्चन कैसा लगा, क्वेश्चन बढ़िया है ऐसा एग्जाम में आता है 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो ठीक है। इसके बाद में कुछ एक इसकी टर्म और बच जाती है कि ए इनवर्स निकालने का कई बार आपको इक्वेशन दे देता है ए की पावर 3 प्लस में ए की स्क्वायर प्लस में आई इज इक्वल टू 0 हो तो इससे ए इनवर्स निकालिए, वो क्वेश्चन करेंगे कल की क्लास में। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं ठीक है। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में लगी बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, हम अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध करा सकें। चलिएगा दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद जय भारत।